आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस, वो भी मार्केट जैसी। इसे आप बना के 1 से 1.5 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने बनाया होममेड पिज़्ज़ा सॉस, तो चलिए फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे होममेड पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैंने यहाँ पे 5 टमाटर लिया है दोस्तों, जिसे मैं अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद इसे मैं रफली कट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सारे टमाटर को काट लिया है। अब चलिए अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दिया दोस्तों। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूँगी। तेल हमारा गर्म हो जाए, इसके बाद मैं बारीक कटे हुए प्याज को डालूँगी। यहाँ पे मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है दोस्तों, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसे मैं तेल में डालूँगी। प्याज को यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे दोस्तों, बस इसे हल्का ही हम सौते करेंगे। ठीक है, गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखिए। यहाँ पे प्याज हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है दोस्तों। अब यहीं पे मैं 12 से 13 लहसुन की कलियाँ डालूँगी। इसे भी हल्का सा हम भून लेंगे। यहाँ पे प्याज और लहसुन को ज़्यादा नहीं भूनना है दोस्तों। इसके बाद इसमें मैं 5 से 6 सूखी लाल मिर्च डालूँगी दोस्तों। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिए। साथ ही मैं डालूँगी कटा हुआ टमाटर, इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे दोस्तों। टमाटर डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। साथ ही में मैं इसमें कलर के लिए 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी दोस्तों। इससे हमारा पिज़्ज़ा सॉस का कलर बहुत सुंदर आएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है मिक्स हर्ब्स, साथ ही में मैंने कुटी हुई काली मिर्च को लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स लिया है दोस्तों। सभी चीज़ों को अपने पिज़्ज़ा सॉस में मैं डाल दूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स ना हो तो दोस्तों इसमें आप ऑरेगानो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे टमाटर की खटास और तीखेपन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीनी डालूंगी दोस्तों। आप यहाँ पे चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। इसे मैं ढक के पकाऊँगी। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखिए। इसे हम बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस को और भी टेस्टी बनाने के लिए दोस्तों इसमें मैं 2 चम्मच केचप डालूंगी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच टोमेटो केचप लिया है दोस्तों। इसे मैं अपने पिज़्ज़ा सॉस में डालूंगी दोस्तों। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा टमाटर यहाँ पे अच्छे से पक चुका है दोस्तों, अच्छे से मैश भी हो चुका है। अब यहीं पर मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। इसे ठंडा करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट हम बना लेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमारा पिज़्ज़ा सॉस यहाँ पर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहीं पे मैंने एक साफ मिक्सी का जार लिया है दोस्तों। मैं यहाँ पे ठंडा किया हुआ मिश्रण सरा मैं अपने मिक्सी जार में डालूँगी। इसका एक फ़ाइन पेस्ट हम बना लेंगे। यहाँ पर मैंने सारे मिश्रण को मिक्सी जार में डाल दिया है दोस्तों। अब इसका हम फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस हमारा एकदम तैयार है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में 1.5 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी टेस्टी बनती है ना दोस्तों कि आप बाहर का पिज़्ज़ा सॉस खाना भूल जाएंगे। ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक लिए बाय बाय।